नमस्कार सभी का डॉक्टर दीक्षित यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संजय मोरे, अडोर ट्रस्ट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस हम देते हैं उन वीडियोस के नीचे जो सवाल लोग पूछते हैं उसके जवाब हम दीक्षित सर से लेंगे। दीक्षित सर नमस्ते। संजय नमस्कार। सबसे पहले है बिलाल अहमद, इन्होंने पूछा है सर ये डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ लेकिन थकान महसूस कर रहा हूँ। अगर आप नॉन डायबिटिक है लेकिन पहले आप दिन में 4 बार 5 बार 6 बार खाते थे और अभी 2 बार खाना चालू किया तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकली भी आपको ये सब हो सकता है। थोड़ा धीरज रखिए और 7-8 दिन के अंदर डिटर्मिनेशन रखो, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो या मेडिसिन ले रहे हो तो मैं विनती करूंगा कि आप अपने दिल से ये लाइफस्टाइल फॉलो मत करो। जो संजय का नंबर मैंने वीडियो के आखिर में दिया है उनसे संपर्क करें, आपके HbA1c की रिपोर्ट, इंसुलिन की रिपोर्ट शेयर करें, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन शेयर करें ताकि आपको हम प्रॉपरली गाइड कर सके। अभी ये सवाल तो नहीं है लेकिन एक वेरी नाइस रियली ऐसे कोई ईमेल से किसी एक ने एक स्लोगन लिखी है, मैं वो भी यहां बताना चाहता हूं। मराठी में है वो, मधुमेहाची होईल जेवा जाण, दीक्षित जीवन शैली आहे रामबाण। बहुत अच्छे से ये स्लोगन इन्होंने दी है। राजेंद्र गायकवाड़, इन्होंने पूछा है सर प्रोटीन से इंसुलिन स्पाइक होता है क्या, मतलब दो खानों के बीच में अगर अंडा हम खा सकते हैं क्या। राजेंद्र जी का संजय काफी अच्छा सवाल है कि उन्होंने कहा है कि क्या प्रोटीन खाने से इंसुलिन का स्पाइक होता है क्या और दो खानों के बीच में क्या हम अंडे खा सकते हैं। अब दोनों सवाल जो है इनके इसके पीछे उनका रीजनिंग या लॉजिक एक ही लग रहा है कि प्रोटीन खाने से इंसुलिन अगर नहीं बनता है तो क्यों ना हम दो खानों के बीच में अंडे खा सकते। तो देखिए राजेंद्र जी, प्रोटीन से इंसुलिन निर्माण होता है और उसमें एक दूसरी बात यह है कि कितना इंसुलिन स्पाइक होगा इसके बारे में हम कोई बता नहीं सकते। जैसे ग्लूकोज का कैसे है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मालूम है कि कितना ग्लूकोज निकलता है और कितना इंसुलिन बढ़ेगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के बारे में अनप्रेडिक्टेबल प्रोटीन स्पाइक आता है। इसलिए दो खानों के बीच में आप अंडे नहीं ले सकते क्योंकि उससे इंसुलिन बनता है। अगर अंडे खाना है आपको तो हमने तो बताया खाने में आप उसको खा सकते। परवीन कौर, इन्होंने पूछा है ये जो आपने दालों का प्रोटीन बताया है तो वो जो दाल है वो पकाई हुई या बिना पकाई हुई कौन सी खानी है। एक अच्छा सवाल कि जो आपने मैंने वीडियो में बताया कि इस दाल में कितना प्रोटीन होता है क्या होता है, तो लोगों का ये पूछना हो सकता है कि ये रॉ है या पकाया हुआ है। तो जब भी मैंने बताया वो रॉ क्वांटिटी के बारे में बताया, वो पकाया हुआ नहीं बताया। अगला सवाल शीतल, इन्होंने पूछा है मूंगफली में कितने ग्राम प्रोटीन होते हैं। अगर आप पीनट्स खाएंगे तो उसमें लगभग 24-25% होते हैं और यही लगभग यही मात्रा में 25 से लेकर 30-35 तक हो सकते हैं। परवीन कौर, इन्होंने फिर से पूछा है कितने अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। उन्होंने ये पूछा है कि कितने अंडे खाने से 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आमतौर पर एक अंडे में 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है, दो अंडे खाएंगे तो आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। रविंद्र जी पूछते हैं सर जम्बासव का बहुत नाम सुना है तो 55 मिनट में लिया तो चलेगा क्या। काफी लोगों के सवाल होते हैं कि इस लाइफस्टाइल के अंदर जब हम कुछ खाते हैं तो खानों में क्या हम कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या कुछ ले सकते हैं क्या। इसे रविंद्र जी ने पूछा है कि जम्बासव बहुत अच्छा है ऐसा लोग कहते हैं। अब ये लोग कहते हैं ये कभी मुझे समझ में नहीं आती बात, या तो आपके डॉक्टर ने कहा है या आपने कहीं पढ़ा है, ये कहने वाले लोग कौन होते हैं पता नहीं। लेकिन आपने पूछा है कि जम्बासव अच्छा होता है ऐसा सुना है तो क्या मैं 55 मिनट के अंदर ले सकता हूँ। अब जम्बासव अगर उसमें क्या होता है, जामुन का शायद जो बीज होता है उसकी पाउडर हो सकती है, उसमें देख लीजिए कंटेंट क्या है। अगर उसमें शुगर नहीं है, एडेड शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है तो उसको आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लगता है कि आपको डायबिटीज है इसलिए जम्बासव की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज है तो हम बोलते हैं मीठा मत खाओ, तो अगर आपके वो जम्बासव में अगर शक्कर है ऊपर से डाली हुई वो मीठा लगता है टेस्ट को तो उससे आपको नुकसान होगा। तो इस प्रकार से आप
डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। सोनिया काले इन्होंने पूछा है, क्या हम दो खानों के बीच में नींबू पानी ले सकते हैं क्या? शायद मैंने एक एपिसोड में संजय ये बताया था कि नींबू पानी के बारे में, कि क्या दो खानों के बीच में हम नींबू पानी ले सकते हैं क्या। तो फिर कहूंगा कि हमको ये सोचना चाहिए कि बीच बीच में क्या खा सकते हो, ये ना सोचकर पानी की तरफ हम कैसे आएंगे, दो खानों के बीच में सिर्फ पानी कैसे पी सकते हैं, इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो जरूर हम हेल्थ की तरफ हमारा एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो नींबू पानी का वही कहूंगा कि अगर एक दो बूंद आपने नींबू रस डाला और एक गिलास पानी में, तो शायद उससे इंसुलिन निर्माण होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन सावधानी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लैब में जाइए, वो गिलास में पानी में जितना नींबू आप डालती है हमेशा उतना नींबू डाल के खाली पेट लैब में जाइए, पहला खून का सैंपल दीजिए, उसको कहिए इसका इंसुलिन टेस्ट करना है, 10 मिनट के बाद अब वो पानी पी लीजिए, 10 मिनट के बाद फिर इंसुलिन टेस्ट कीजिए, 60 मिनट के बाद और एक बार कीजिए, तो आपके पास 3 इंसुलिन की रिपोर्ट है। अगर खाली पेट वो 10 था, बाद में 15 हो गया, बाद में 18 हो गया, इसका मतलब इंसुलिन निर्माण हुआ। अगर पहले 10 था, बाद में 9 हो गया, बाद में 6 हो गया, इसका मतलब निर्माण नहीं हुआ, फिर उसको आप ले सकते। तो सभी के लिए ये मैं जवाब दे रहा हूँ कि जिसको भी लगता है कि मैं ये खाऊं या ना खाऊं, ये पीऊं या ना पीऊं, तो आप खुद के ऊपर इंसुलिन टेस्टिंग की जांच करवाए और अपना निर्णय ले ले। कोमल गुरव इन्होंने पूछा है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म T3 T4 TSH नॉर्मल हो गया है पर वेट कम नहीं होता है और उनके शरीर में भी बहुत सूजन हो गई है, तो फिर क्या करें? अब बहुत सारे महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम, और कोमल जी ने कहा है कि उनका थायराइड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, उनका T3 T4 TSH सब नॉर्मल आ गया, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है कि थायराइड होने से, हाइपोथायरॉयडिज्म होने से वजन काफी बढ़ता है। तो हाइपोथायरॉयड को इतना ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल से बढ़ा है। थायराइड जिनको, उनका 2-3 किलो वजन बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 20-25-30 किलो बढ़ेगा। तो जब थायराइड का मेडिसिन लेते हैं तो जो भी वो 2-3 किलो बढ़ा हुआ वजन भी कम हो सकता है। लेकिन आपने जो कहा है कि मेरे शरीर के ऊपर जो सूजन है वो कम नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि शरीर के ऊपर सूजन होने के क्या कारण है ये देखना पड़ेगा। हो सकता है कि हार्ट की कोई बीमारी हो, या किडनी की बीमारी हो, या लीवर की बीमारी हो, क्योंकि काफी कारण हो सकते हैं कि जिससे शरीर के ऊपर सूजन आ सके। तो ये ठीक नहीं होगा कि YouTube के ऊपर आपको कोई सलाह दूं। अगर आप नागपुर, नासिक, पुणे या ऐसे शहर में हो जहां हमारा सेंटर है, जरूर हमारे सेंटर पे जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको एग्जामिन करेगा, कोई टेस्ट करना है वो भी बोलेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र, दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाए। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। दो भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।